Next topic देखते हैं हम लोग maximum minimum. हम लोग पहले देखते हैं maximum. मान लो एक function है f of x x और एक interval दिया है, एक point है c और इधर वाला जो interval है C माइनस डेल्टा और इधर वाला जो इंटरवल है सपोज C प्लस डेल्टा. ओके, और हम देखते हैं कि यहां पे स्लोप, स्लोप मतलब क्या, एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब उस जगह पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप, या फिर हम इसे एफ डैश सी बोल सकते. ये अगर जीरो आता है पहली बात, दूसरी बात इधर जो स्लोप्स है मतलब f डैश ऑफ x फॉर x इज इक्वल टू और c माइनस डेल्टा, मतलब इधर वाले इंटरवल्स के जो स्लोप्स है वो ग्रेटर देन जीरो आते हैं, मतलब इधर फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है. और तीसरी बार एफ डैश एक्स एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डेल्टा इधर वाला इंटरवल में स्लोप डाउन डाउन आते हैं, मतलब फंक्शन इधर कैसा है, डिक्रीजिंग है. ये सब सेटिस्फाई होता है तो इस पर्टिकुलर लोकल इंटरवल में फंक्शन इज मैक्सिमम at what x is equal to c for a given local interval, जो भी है c plus delta और c minus. अब local क्यों बोल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बहुत से graphs ऐसे चलते हैं तो जगह जगह पे ऐसे maxima मिलेंगे, तो ये अलग अलग interval के लिए वो local वो जगह का वो maxima होता है, जरूरी नहीं कि वो पूरा फंक्शन का मैक्सिमम हो, समझ आ रहा है, तो इसलिए हम इसे लोकल बोल रहे हैं. अब ये हो गई मैक्सिमा की बात, मिनिमा कैसे मिलेगा, मिनिमा के लिए ऐसा कुछ होगा लोकल मिनिमा, ये कोई सी रहे, फिर से हम लोगों ने एफ एक्स है ये एक्स है, तो क्या क्या कंडीशंस आएगी, पहली कंडीशन तो आएगी आएगी, यहां अगर हम लोग टेंजेंट निकालेंगे तो स्लोप क्या आएगा, उसका जीरो आएगा. दूसरा इधर डिक्रीजिंग होना चाहिए और आगे मतलब ये उल्टा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इधर सी माइनस डेल्टा पे डिक्रीजिंग और सी प्लस डेल्टा पे इंक्रीजिंग, तो ये साइन उल्टे होंगे. ऐसी अगर सिचुएशन बनी तो ये उस C प्लस C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा इंटरवल के लिए, लोकल इंटरवल के लिए क्या कहलाएगा, मिनिमम. समझ में आ रहा आपको, तो इस तरह हम ढूंढ सकते हैं कि कोई लोकल इंटरवल में फंक्शन यहां मिनिमा है या मैक्सिमा है. तो उसके लिए हमें पहली बात तो उस जगह पर डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए, मिनिमा के लिए भी जीरो आना चाहिए, मैक्सिमा के लिए पीछे इंक्रीजिंग होना चाहिए और आगे डिक्रीजिंग होना चाहिए, मिनिमा के लिए पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग, समझ में आ रही बात, राइट हो. ये उस पर्टिकुलर, देखो ये मैक्सिमा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो जीरो होता है, मिनिमा के लिए भी जीरो होता है क्योंकि स्लोप पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस, ये क्या बता रहा है, उसके पहले एच, यस एच शुड बी पॉजिटिव, C माइनस एच मतलब उसके पहले फंक्शन इंक्रीजिंग होगा बाद में डिक्रीजिंग, इधर पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग, देखो ऐसा और ये ऐसा,